आज हम लोग एक महापुरुष के जीवन को लेकर के, एक ऐसा महापराक्रमी, महायशस्वी बाहुबली जिसका इतिहास में, शायद विश्व के इतिहास में, जिसका समकक्ष उदाहरण ढूंढना जो संभव नहीं है। और दुख होता है मुझे बताते हुए कि इस महापुरुष के बारे में बहुत कम जानकारी जो है वो हम लोगों को है, परीक्षार्थी हो चाहे आम जनमानस हो। तो इस जो है विरला ऐसा व्यक्ति कोई युगों में पैदा होता है, तो और इसका एक नेगेटिव पक्ष ही आज तक लोगों के सामने रखा गया। इस महापुरुष ने जीवन में जैसे अप्रतिम कार्य किए, जैसी वीरता, सम्मान के हकदार थे, इनका नाम है महाराजा मान सिंह, वो सम्मान कभी इनको मिला नहीं। तो चाहे परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें उपयोगी है, चाहे हम भारतवर्ष के महापुरुषों में से एक के जीवन को गहराई से जानना चाहें, तो महाराजा मान सिंह के जीवन काल से लेकर के, वैसे राजस्थान जीके में जब हम कछवाहों का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें महाराजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, ऐसे महापुरुषों को हमको पढ़ना पड़ता है। तो पैनोरमा इंस्टीट्यूट के इन वीडियोस के महत्वपूर्ण वीडियोस की कड़ी में आपका स्वागत है। हम लोग लगभग 3 वीडियोस, क्योंकि इन महापुरुष के जीवन को एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है, और थोड़ा लंबे वीडियो जब हम बनाते हैं तो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, इसलिए हमने तय किया है कि इसको, महाराजा मान सिंह को, हम 3 वीडियोस की सीरीज में इनको पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पहले वीडियो में इनकी विजय, इनके जीवन से संबंधित जो घटना है उसको देखेंगे। दूसरे में कला संस्कृति के संरक्षक के रूप में महाराजा मान सिंह की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही उसको हम लोग देखेंगे। और तीसरा इसका जो पार्ट होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, उसमें मैं इनके जीवन से संबंधित अविस्मरणीय जो रोचक तथ्य, मतलब आपको जानने का मौका मिलेगा, ऐसी ऐसी घटनाएं जिसके बारे में हमको भी कुछ भी पता नहीं है, जो हमें जाननी चाहिए, तो उनको लेकर के तीसरा वीडियो हम लोग जो है वो बनाएंगे। तो इस महापुरुष के, इस महापराक्रमी योद्धा के जीवन को समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो पहले तो इस व्यक्ति का नाम है महाराजा मान सिंह। सब जानते हैं राजस्थान की आज राजधानी जो है उसका नाम है जयपुर, और एक वंश है जो अपने आप को कछवाहा कहता है। कछवाहा, कछवाहा शब्द जो है वो भगवान राम के पुत्र कुश के कुशवाहा से एक तरह से अपभ्रंश होने से कुशवाहा जो है वो धीरे धीरे कछवाहा कहलाने लग गए, अर्थात ये सूर्यवंशी क्षत्रिय है, भगवान राम के पुत्र कुश से ही अपना वंश मानते हैं। तो कुशवाहा या कछवाहा वंश में जिसके संस्थापक दूल्हे राय कहलाते हैं, वैसे उनको दूल्हे राय इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका वास्तविक नाम तो वैसे तेजकरण था, परंतु दूल्हे की तरह सदैव बन ठन के सुंदर बन के रहा करते थे, इसलिए उनका नाम दूल्हे राय हो गया इतिहास में। तो तेजकरण या दूल्हे राय राजस्थान में जिस कछवाहा वंश के संस्थापक हैं, उसी वंश के राजाओं ने सबसे पहले दौसा, उसके उपरांत जो है आमेर, और अंत में फिर जयपुर को राजधानी के रूप में विकसित किया। तो जब आमेर राजधानी थी तो उस समय यहाँ जो महापुरुष हुए उसमें से सबसे महान राजा जो है वो है राजा मान सिंह। तो महाराजा मान सिंह को हम जानने का प्रयास करते हैं, इनके जीवन काल को समझते हैं। इनका जन्म ही, मतलब इस व्यक्ति के, मैं जब पढ़ रहा था इनका इतिहास, इस व्यक्ति के जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक इतना रोचक, इतना रोमांचक एक यात्रा रही इनके इतिहास को पढ़ना मेरे लिए। तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति के ऐसे यशस्वी जीवन के ऊपर इतना कम लिखा गया, कोई पुस्तक जो है उपलब्ध नहीं है बहुत ज्यादा इस महापुरुष की महानता को जो है दर्शित करने, केवल एक हल्दी घाटी के विलेन के रूप में महाराजा मान सिंह को आज तक इतिहास में प्रस्तुत किया गया, हिंदू धर्म के संरक्षक, और मतलब मैं कहूँ कि महान कृष्ण भक्त महाराजा मान सिंह जो है, उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इस परीक्षा में तो उपयोगी हो ही, रोचक भी बने ये थोड़ा सा वीडियो, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि इस महापुरुष को वर्षों बाद भारत के जनमानस को जानने का प्रयास, मतलब एक तरह का प्रयास है ये कि आप लोग इनके बारे में जान सके। जन्म से ही शुरू कर लेते हैं, रोचक कार्य जन्म से शुरू हो गया। तो महाराजा मान सिंह का जन्म, वैसे आपको पता होना चाहिए, राणा प्रताप का जो जन्म है 9 मई 1540 को, और अकबर राणा प्रताप से 2 साल छोटा था 1542 में, और महाराजा मान सिंह का जन्म जो है वो दिसंबर के माह में, 2 दिसंबर 6 दिसंबर बुक्स में अलग अलग है। तो 1550 में जो है आपका जन्म हुआ, कहाँ, आमेर में। अब इसको लेके इतिहासकारों में बड़ा जो है विवाद,
बहुत से इतिहासकार जैसे मुणोत नैणसी जैसे लोग हैं मानते हैं कि इनका जन्म आमेर में नहीं हुआ, इनका जन्म जो है जयपुर में सांभर के पास एक जगह पड़ती है उसका नाम है मौजमाबाद, वहाँ उनका जन्म हुआ। पर मैं जब इतिहास को ज़्यादा गहराई से देखा तो मुझे पता चला कि वास्तव में महाराजा मानसिंह का जन्म ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही एक विघ्नकारक नक्षत्र होता है, मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ और राज ज्योतिषियों ने इस प्रकार की बात जो है उस समय आमेर के जो राजा थे उनका नाम था, वैसे नाम तो बिहारी मल था लेकिन इतिहास में उनको भारमल कहा जाता है, और भारमल के दो पुत्र हुए, एक का नाम था बड़े ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भगवंत दास और जो छोटा पुत्र था उसका नाम था भगवान दास। अब इतिहासकारों में यहीं से विवाद शुरू हो जाता है कि मानसिंह किसके पुत्र थे, तो आपको जानना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है, महाराजा भारमल जो आमेर के शासक थे उनके ज्येष्ठ पुत्र, छोटे बेटे भगवान दास नहीं, ज्येष्ठ पुत्र भगवान दास के ज्येष्ठ पुत्र जो है महाराजा मानसिंह हुए। माता का नाम माँ जो थी वो परमार या पवार वंश की जो है राजकुमारी थी, नाम था भागवती पवार, किसी किताब में अवेलेबल नहीं है। महाराजा मानसिंह की माता का नाम देने का कष्ट किसी पुस्तक ने, लगभग नहीं के बराबर पुस्तकों में ये इनका नाम उपलब्ध है। तो पिता आमेर के कुंवर और आगे आने वाले समय में राजा कहलाए, भगवान भगवंत दास, दादाजी भारमल, माता का नाम भागवती पवार, तो इनकी कोख से इनका जो है वो जन्म हुआ। राज ज्योतिषियों ने इनकी जन्म कुंडली को देख करके कहा कि हम भविष्यवाणी करते हैं यदि ये जो व्यक्ति है इसके मूल नक्षत्रों में जन्म हुआ है, ये 12 वर्ष की आयु को जब प्राप्त हो जाएंगे तब तक यदि पिता ने इनकी शक्ल देख ली तो बालक की मृत्यु निश्चित, अनिष्ट होना अवश्यम भावी, इस प्रकार की बात उन्होंने कही। 12 वर्ष की आयु तक पिता मान सिंह का यानी पिता भगवान दास है वो मान सिंह का चेहरा नहीं देखेंगे, इस प्रकार की एक कठिन जो है स्थिति भगवान दास के सामने आई। तो भगवान दास ने कहा कि मेरा बेटा मर जाए उससे अच्छा मैं 12 साल उसका मुख नहीं देखूंगा तो वो ज़्यादा ठीक है। तो राजकुमारी या रानी भागवती पवार को सांभर के पास एक जगह है मौजमाबाद, वहाँ एक महल बनाया गया मान सिंह के रहने के लिए, उनकी माता परिवारजनों के रहने लगी, बस पिता जो थे वो कभी वहाँ नहीं आते थे 12 वर्ष के हुए तब तक। तो मौजमाबाद में आपका जो है बचपन बाल्यकाल बीता, थोड़े से सांवले रंग के थे महाराजा मानसिंह, अत्यंत बलिष्ठ लंबा चौड़ा इनका है ना, हाँ, हाथी की सूंड सा शक्तिशाली इनका शरीर, और मतलब अश्व जो है दौड़ाने में इनका कोई सानी नहीं था, तलवार के धनी थे, ये जो खांडा एक लंबी तलवार होती सीधी खांडा, खांडा चलाने में इनका कहते हैं उस समय के पूरे भारतवर्ष में इनके समान खांडा चलाने वाला योद्धा नहीं था, तो जबरदस्त पराक्रमी योद्धा थे। तो इस प्रकार जो है महाराजा मानसिंह का बचपन बाल्यकाल मौजमाबाद में बीता आमेर के किले में बीतने की बजाय। फिर इनके जीवन काल में एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षण आया, अगर 1550 में हम जन्म माने तो 12 वर्ष के कब होते हैं 1562 में, और यही वो काल है जब एक अत्यंत महत्वपूर्ण भारत के इतिहास में घटना घटी। वो घटना ये थी कि अकबर जो था उसका खुद का जन्म भी एक राजपूत राजा के यहाँ, एक्चुअली हुमायूं जो था वो शेरशाह सूरी से, अकबर का पिता हुमायूं जो है वो शेरशाह सूरी के, वो जान बचा के भाग रहा था शेरशाह सूरी से, और उस समय आज तो पाकिस्तान में चला गया है उमरकोट, सोडा राजपूतों की एक जागीर थी, उमरकोट के जो शासक थे राणा वीरसाल सोडा, उन्होंने क्षत्रियोचित धर्म का पालन करते हुए अकबर को शरण दी, और इस प्रकार अकबर का स्वयं का जन्म एक राजपूत राजा के महल में जो है हुआ। ठीक है, तो अकबर को ये बात पता थी कि भाई मेरी रक्षा करने में मेरा जन्म में राजपूतों का योगदान है, तो अकबर चाहता था कि राजस्थान के जो वीर राजपूत हैं, क्योंकि अकबर ने बड़ा सुना था कि मेरे दादाजी बाबर का सामना जो है या मेवाड़ के राणा सांगा से हुआ रहा, राजपूतों ने बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा, तो इस प्रकार की बातें अकबर के मन में थी। तो अकबर चाहता था कि राजपूतों को मुगल साम्राज्य के साथ जो है वो जोड़ लिया जाए, उसने स्पष्ट नीति रखी आप अधीनता स्वीकार कीजिए, आपको आपके सम्मान में कोई कमी नहीं की जाएगी, आप अपने धर्म को मान सकते हैं, आपको इनाम इकराम दिए जाएंगे, आपको मुगल मनसबदार बनाया जाएगा। एक नीति जो थोड़ी सी मुझे आलोचनात्मक अकबर की करने का मन करता है वो ये थी कि इसने कहा कि आप अपनी पुत्रियों का विवाह जो है मुगल वंश में कीजिए, ये थोड़ा सा हिंदुओं के लिए थोड़ा सा एक अपमानजनक बात थी, लेकिन कहते हैं कि राजस्थान में एक मेवाड़ का जो सिसोदिया राजवंश है और शायद हाड़ा चौहानों ने भी अपनी पुत्रियों का विवाह अकबर से नहीं किया, बाकी सभी ने किया, किसी ने बाद में किया, किसी ने पहले किया, लेकिन अंततः सभी ने किया। तो उसकी जो शुरुआत है वो किसने की, वो आमेर के राजा भारमल ने की।
आमेक राजा भारमल ने अपनी पुत्री, और पुत्री का नाम इतिहास में जो मिलता है वो मिलता है हरखा बाई। हालांकि अभी कुछ मूर्ख फिल्मकारों ने इस हरखा बाई का नाम इतिहास में क्या कर दिया है, जोधा बाई। और कोई अगर इतिहास का अ भी जानता है तो वे जानता है कि राव जोधा थे, वो जोधपुर के राजा थे, और जोधा के वंश में होने वाली राजकुमारी जोधा बाई हुई। तो जोधा बाई न कि आमेर की थी, बल्कि वो जोधपुर के राजा, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। तो मूर्ख इतिहासकारों ने जोधा बाई की, जिस जोधा बाई की शादी अकबर के पुत्र सलीम के यानी जहांगीर के साथ हुई, और जिस जोधा बाई और जहांगीर का बेटा इतिहास प्रसिद्ध शाहजहां हुआ, जिसको बचपन में जो है खुर्रम कहा जाता था, तो मतलब मुझे इसको देख करके हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। जोधा बाई जो कि अकबर के बेटे जहांगीर की पत्नी थी, उस जोधा बाई की शादी उन्होंने किसके साथ करा दी, अकबर के साथ करा दी, और उस जोधा बाई की कोख से उसके पति जहांगीर का जन्म करवा दिया। मतलब इससे अधिक मूर्खतापूर्ण हरकत अगर कोई आप ढूंढने तो शायद इतिहास में ना मिले आपको। तो आमेर की जिस राजकुमारी का नाम हरखा बाई था, उसी का विवाह जो है, जो भारमल की पुत्री थी, भारमल के लड़के भगवंत दास की बहन थी और मानसिंह जी की बुआ थी, उस हरखा बाई का विवाह जो है वो 1562 में एक जगह पड़ती है सांभर, सांभर नामक स्थान पर इसका विवाह जो है वो अकबर के साथ किया गया। कुछ लोग इसको अपमानजनक मानते हैं कि पहला हिंदू था जिसने अपनी पुत्री का विवाह किया, पर अगर आप कई दृष्टिकोणों से देखें तो शायद आपको इतना अपमानजनक न लगे। दो बातें जानी है इसके बारे में। अकबर ने इस राजकुमारी को अपना हिंदू धर्म छोड़ने पर बाध्य नहीं किया। नॉर्मली इस्लाम की आलोचना क्या की जाती है, क्योंकि वो अपने धर्म में दीक्षित कर लेते हैं, ये हिंदू ही रही, और बाकायदा भगवान कृष्ण की भक्त थी अपने। और अकबर भी आप जानते हैं पूरे भारत के इतिहास में एक ही ऐसा मुस्लिम शासक है जिसके सिक्कों पर सिया राम लिखा हुआ था, सिया राम यानी सीताराम, और वो सिक्के किसने जारी किए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने, है ना। शायद हिंदू राजाओं ने भी सबने नहीं जारी किए होंगे, सिया राम लिखे हुए सिक्के अकबर ने जारी किए। अपनी पत्नी हरका बाई को उसने हिंदू धर्म बदल के इस्लाम स्वीकार करने के लिए कोई ऐसा दबाव नहीं डाला। दूसरा, अकबर का उत्तराधिकारी कौन बना, अकबर का उत्तराधिकारी किसी मुस्लिम बेगम से पैदा हुआ लड़का नहीं बना, अकबर का उत्तराधिकारी इस हिंदू राजकुमारी यानी हरखा बाई से उत्पन्न जो पुत्र था, जिसको इतिहास में सलीम भी कहा जाता है और जहांगीर भी कहा जाता है, हालांकि बड़ा आशिक मिजाज व्यक्ति था ये इतिहास में, तो इस हिंदू राजकुमारी का बेटा ही अगला मुगल बादशाह बना। फिर इसके परिवार के लोगों को, भारमल को, भगवंत दास को, मानसिंह को, मानसिंह तो अकबर के दरबार में सर्वोच्च स्थान पहुंच गए थे, 7,000 के मनसबदार हो गए थे, इनको मुगल दरबार में मतलब आप देखिए कि शाही परिवार के बराबर ओहदा मानसिंह को दिया गया, किसी मुस्लिम अधिकारी को मानसिंह के बराबर ओहदा नहीं दिया गया, ठीक है। तो अकबर के पूरे जीवन काल में यदि हम देखें तो एक चित्तौड़ के किले में जो उसने कत्लेआम कराया वो एक अमिट दाग है, उसको छोड़ दें तो अकबर के जीवन काल में निश्चित रूप से हमें कह सकते हैं कि अकबर में महानता के कुछ लक्षण तो थे, या आप चाहे माने ना माने लेकिन ये सत्य है। सियाराम लिख रहा है अपने सिक्कों पर, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वो स्वर्ण मंदिर जिस सरोवर के किनारे है, आपको पता है वो सरोवर किसने दान दिया सरदारों को, सिखों को, अकबर ने दान में दिया, ठीक है। तो अकबर का एक पक्ष है जहां वो कट्टर इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति दिखता है और चित्तौड़ में जो है बच्चों को औरतों को मरवाता है, पर ऐसा कहा जा सकता है या यह कह के थोड़ा सा मरहम लगाया जा सकता है कि वो अकबर की एकमात्र गलती है इतिहास में, जो फिर उसने जीवन में कभी नहीं दोहराई, कभी उसने जीवन में धार्मिक कट्टरता का उसके बाद कभी परिचय नहीं दिया, और उसने तो अपना स्वयं का एक धर्म चलाया आप जानते हैं दीन इलाही के नाम से। खैर हम अकबर की बात अभी साइड में रख करके और महाराजा मानसिंह की बात कर लेते हैं। तो एक बड़ी रोचक घटना, महाराजा मानसिंह अकबर की सेवा में कब आए, 12 वर्ष के हुए 1562 में, और 62 में ही अकबर के साथ इनकी बुआ हरका बाई का विवाह हुआ, और महाराजा बारमल ने अपने बेटे भगवंत दास को और अपने पुत्र मानसिंह को दोनों को अकबर की सेवा में भेज दिया, कैरियर बना दिया दोनों का उसने 1562 में, अकबर की सेवा में भेज दिया बेटे भगवंत दास को भी और पोते मानसिंह को भी, ठीक है। अब मानसिंह जी क्या थोड़े से सांवले रंग के थे, योद्धा जबरदस्त थे, चेहरे पर राजसी तेज था लेकिन थोड़ा सा सांवले थे, थोड़े से इतने सुंदर नहीं थे,
तो कहते हैं कि 1562 में हरकाबाई से जो विवाह हुआ उस दौरान जो है, अच्छा बाप ने भी 12 वर्ष उसी साल हुए थे, तो 12 वर्ष बाद मानसिंह को देखा। तो कहते हैं मानसिंह को जब अकबर के सामने लाया गया, 12 वर्ष का मानसिंह को अकबर के सामने जब लाया गया, तो अकबर उसको देखकर, उसके काले रंग और थोड़े से कुरूप चेहरे को देखकर जो है वो अपनी हंसी नहीं रोक सका। और उसने मनोविनोद में एक बात मानसिंह से कही कि मानसिंह जब खुदा के यहाँ नूर बट रहा था, नूर का मतलब सुंदरता होता है, जब खुदा के यहाँ नूर बट रहा था तो तुम कहाँ थे। और सब जो लोग थे वहाँ पे खिलखिला के हंस पड़े, है ना। हाँ, अकबर को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भयंकर जवाब मानसिंह से आएगा, है ना। हाँ, मानसिंह ने तपाक से उत्तर दिया विद्युत की गति से। मानसिंह ने कहा, बादशाह सलामत, जब खुदा के यहाँ नूर बट रहा था तो मैं खुदा की इबादत में था, मैं भगवान की आराधना कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब खुदा के यहाँ बहादुरी, और बहादुरी के साथ साथ दरिया दिली, दानशीलता, ये दो चीजें जब बट रही थी, तब मैं लाइन में सबसे आगे खड़ा था और मैंने नूर के हिस्से में ये दो चीजें खुदा से मांग ली है, इसीलिए कभी दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाता हूं, और दूसरा मेरे द्वार से आया हुआ कोई व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं जाता है। अब ये उत्तर सुनकर के अकबर शक पका गया। पिता भगवान दास खड़े, भारमल खड़े, किसी को भी मानसिंह से ऐसे जबरदस्त कठोर उत्तर की जो है अपेक्षा नहीं थी। लेकिन अकबर जो है 1 मिनट तक मौन रहा, फिर अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने मानसिंह से कहा, मानसिंह, खुदा ने तुम्हें मेरे शत्रुओं पर कहर बन के टूटने के लिए पैदा किया है, तुम मेरे साथ चलो। इस प्रकार महाराजा मानसिंह जो थे वो मात्र 12 वर्ष की आयु में शाही सेवा का हिस्सा बने, और 1562 में ये अकबर के यहाँ जो है सेवा। अच्छा, कितना समय काल इनका, इनकी मृत्यु जो है लगभग 1614 में जाकर के, दक्षिण भारत में एक स्थान है एलिचीपुर, वहाँ महाराजा मानसिंह की मृत्यु हुई जहांगीर के काल में। अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है, उसके बाद जहांगीर के काल में भी ये सेनापति रहे। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये 50 वर्षों से भी अधिक का ये पीरियड है पूरा। 50 वर्षों तक मुगल साम्राज्य के आधार स्तंभ बनाए रहे महाराजा मानसिंह। और यदि मैं बात कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी कि हिंदुस्तान में अकबर की जो विजय कही जाती, अगर मैं ये कहूँ वह कछवाहा वंश की विजय है और विशेष रूप से महाराजा मानसिंह की विजय है, तो वो अतिशयोक्ति नहीं है। इस व्यक्ति ने काबुल से लगा करके इधर बंगाल, उड़ीसा, बिहार तक, और इसके पिता भगवान दास ने उत्तर कश्मीर से लगा कर दक्षिण भारत में मलिक अंबर के खिलाफ ये एरिया कवर किया इन्होंने। अकबर की जो विजय आप जानते हैं, आप देखेंगे ज्यादातर में कछवाहों का योगदान है, उनका लहू बहा है, और यही सेनापति के रूप में आगे रहे। इन्होंने अपने सीनों पर घाव खाए और मुगल साम्राज्य को, जो आप जानते हैं, बाबर तो 4 साल जिया, 4 साल में खाली युद्ध ही लड़ पाया, फिर मर गया उसके बाद बाबर, तो वो कोई मुगल साम्राज्य की नींव नहीं रख सका। उसका जो पुत्र था हुमायूं, वो तो बेचारा शेर शाह सूरी से हार कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए फारस चला गया, वहां शिया मुसलमान बन गया, अपना राज्य वापस प्राप्त करने, सुन्नी से शिया बन गया, क्योंकि ईरान जो है वो शिया मुसलमानों का राज्य है। तब वहां से सहायता मिली, उसकी सहायता से बेचारा दिल्ली पहुंचा, सीढ़ियों से लटखड़ा के गिर गया, ज्यादा उसका जीवन रहा नहीं। मुगल साम्राज्य की अगर एक तरह से कहा जाए, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तो वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और अकबर की जो जितनी भी विजय आपको दिखाई देती है वो सब कछवाहों की या महाराजा मानसिंह की विजय। आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए पूरी, महाराजा मानसिंह हर युद्ध में आपको, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, वैसे ये चुराया हुआ कॉन्सेप्ट है, बताऊं मैं आपको, ये एक राजा हुआ भारतवर्ष में विक्रमादित्य, उसके दरबार में नवरत्न थे, उससे चुराया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, इन 9 रत्नों में सिर्फ एक ही योद्धा था, और वो कौन थे? महाराजा मानसिंह। कई लोगों ने, या राजस्थान में कई लोगों को गाइड लिखने में कुछ भी मजा आता है, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ कुछ ने लिखा है कि बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ भी नवरत्नों में नहीं थे भाई, ठीक है, एक ही योद्धा उसमें था, और वो कौन थे? महाराजा मानसिंह। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान से एक ही व्यक्ति था जो वास्तव में नवरत्नों में से एक था, तो महाराजा मानसिंह थे। हालांकि दो लोग, एक का नाम है अबुल फजल और एक का नाम है फैजी, ये दोनों भाई थे,
ये भी नवरत्न थे, दोनों राइटर्स थे। इनके पिता शेख मुबारक नागौर के रहने वाले थे, तो कई लोग सोचते हैं राजस्थान में इनके पिता रहे तो ये भी, लेकिन राजस्थान में इनका जन्म नहीं हुआ। तो अगर जेन्युइन रूप से राजस्थानी कोई था जो नवरत्नों में था अकबर के, तो वो महाराजा मान सिंह थे। अकबर के सेनापति जो थे महाराजा मान सिंह थे। अकबर कितना प्रभावित था, अकबर ने इनको उपाधि दी थी फरजंद, फरजंद का मतलब होता है पुत्र, और मिर्जा राजा की उपाधि दी। हालांकि हम जानते हैं इतिहास में मिर्जा राजा की उपाधि से मिर्जा राजा जय सिंह ज्यादा फेमस हुए, और मान सिंह के समय में मिर्जा शब्द नॉर्मली लोग भूल गए और खाली नाम याद रह गया राजा। तो राजा मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि अकबर ने जो है वो दी थी। तो अकबर जो है एक तरह से ये कहें कि इसी के सुदृढ़ कंधे थे जिस पे मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई और उसको उसका विस्तार किया गया, उसको सुरक्षित रखा गया। तो वो अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक सत्य है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो महाराजा मान सिंह 50 वर्षों तक 1605 में अकबर की मृत्यु तक और उसके बाद 1614 तक जहांगीर के बादशाहत काल में भी मुगलों की सेवा करते रहे। मुगलों के साम्राज्य को उन्होंने सुदृढ़ किया, सुरक्षित किया और उसका विस्तार किया। ठीक है, तो ये नवरत्न थे। अब महाराजा मान सिंह की हम विजयों को थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग जो ये वीडियो बनाएंगे इसको तीन पार्ट्स में बनाएंगे। पहला महाराजा मान सिंह का थोड़ा सा प्रारंभ काल, इनकी विजय। दूसरा और भी इंटरेस्टिंग होगा, वो महाराजा मान सिंह का कला संस्कृति के, बहुत कम लोगों को पता है महाराजा मान सिंह कला संस्कृति के जबरदस्त रक्षक रहे। ठीक है, हरिद्वार में हर की पौड़ी से लगा करके, बिहार में रोहतासगढ़ के किले के महलों से लगा करके, राजस्थान में आमेर का किला, जयगढ़ का किला जिसको कहा जाता है, वो सब महाराजा मान सिंह के बनाया हुआ है। गोविंद देव जी का मंदिर महाराजा मान सिंह का बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस व्यक्ति के कला संस्कृति का जो संरक्षक वाला भाग है उसको हम दूसरे भाग में डालेंगे। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ महाराजा मान सिंह के जीवन की अविस्मरणीय रोचक और रोमांचक घटनाएं जो है उनको हम लोग जो है एक बार देखेंगे। इसे प्रश्न भी बन सकता है और वो रोचक भी है। विजयों का क्रम देख लेते हैं। अब कर्नल जेम्स टॉड, जो राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं, कर्नल जेम्स टॉड ने ये लिखा है कि मान सिंह राणा प्रताप से बातचीत करने के लिए गए 1573 में, और उससे पहले उन्होंने डूंगरपुर पर अटैक किया और वहाँ के राजा को रावल आसकरण को इन्होंने शक्ति से मुगलों के अधीन किया। फिर राणा प्रताप से बातचीत करने के लिए गए, वहाँ राणा प्रताप ने इनका अपमान किया। वास्तविकता इससे थोड़ी सी दूर है। सभी लोग ये मानते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड वाली जो कथा है वो कपोल कल्पना पर आधारित है। यहाँ तक कि स्थान भी वो जो बताता है उदयपुर में उदय सागर की पाल, तो वो ही गलत मानते हैं लोग। इनकी मुलाकात बड़े प्रेम से गोगुंदा में, कर्नल टॉड को छोड़कर कोई इतिहासकार नहीं मानता कि राणा प्रताप ने इस प्रकार मान सिंह का अपमान किया। ठीक है, तो डूंगरपुर के रावल आसकरण को हराया, राणा प्रताप से मिलने गए। निसंदेह देखिए, अब लोग क्या गलती करते हैं, बहुत बड़ी, लोग महाराणा प्रताप और मान सिंह की तुलना करनी शुरू कर देते हैं कि दोनों में से कौन महान था। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, है ना, भगवान राम और भगवान कृष्ण में से कौन महान था। ठीक है, अब ये कोई बात हुई, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, दोनों का पारिवारिक बैकग्राउंड अलग है। इनके दादाजी अकबर के साथ अपनी जो है पुत्री का विवाह कर चुके हैं, उस परंपरा से महाराजा मान सिंह आए हैं, है ना। कई लोग मानते हैं इनको विलन, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के खिलाफ लड़े और विलन, मैं बताऊंगा आपको क्या स्थिति है उसकी भी। तो महाराजा मान सिंह, मैं आपको बताऊं, राणा प्रताप से भी बड़े कुछ मामलों में हिंदू धर्म के संरक्षक थे, और इनके जीते जी किसी मुगल की हिम्मत नहीं हुई हिंदू मंदिरों की तरफ जो है कुदृष्टि से देख ले या टेढ़ी दृष्टि से देख ले। ठीक है, तो महाराजा मान सिंह तो भगवान कृष्ण के जबरदस्त भक्त, गोविंद देव जी का मंदिर जिस व्यक्ति ने स्थापित किया हो 7 मंजिला, बाद में औरंगजेब ने उसकी 4 मंजिल तोड़ दी, वो बात अलग है। 7 मंजिला मंदिर जिसने गोविंद देव जी का वृंदावन में स्थापित किया हो, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का ऐसा उपासक रहा हो कि चित्तौड़ जब गया तो मीराबाई द्वारा पूजी जाने वाली कृष्ण मूर्ति को वहां से, गिरधर गोपाल की मूर्ति को वहां से उठा लाए, और आमेर में इनके द्वारा स्थापित जगत शिरोमणि मंदिर में आज वही मूर्ति प्रतिष्ठापित है जिसकी मीराबाई पूजा किया करते थे। ठीक है, तो इस व्यक्ति के जो है एक मतलब नेगेटिव साइड को ही दुनिया में प्रेजेंट किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ न्याय हो, कम से कम इनके जो दोनों पक्ष हैं, हर एक व्यक्ति का नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष होता है। करने वाले तो प्रातःस्मरणीय राणा प्रताप की भी जो नेगेटिव बातें जो है संसार में करते हैं, जैसे एक RAS के इंटरव्यू में, है ना, या कई बार इस तरह की चर्चा चल जाती है कि राणा प्रताप जो थे वो भारत के एकीकरण में बाधक थे। अकबर भारत को एक प्रशासन के अंतर्गत लाना चाहता था, यानी भारत को एक तरह से अकबर जो है वो एकीकृत कर रहा था। ठीक है, और
राणा प्रताप उसमें बाधक बने हुए थे, है ना। इस प्रकार की चर्चा भी की जाती है जो मूर्खतापूर्ण बात है, ठीक है। इसलिए महाराजा मानसिंह और राणा प्रताप की कोई तुलना नहीं हो सकती। और क्यों इनके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है वो गलत है वो मैं बता देता हूँ आपको अभी। तो देखिए, सबसे पहले डूंगरपुर में 1578 में रावल आसकरण को जीता। अब हल्दी घाटी, जिनकी वजह से महाराजा मानसिंह को एक तरह से विलन बना दिया गया है कि राजा मानसिंह विलन थे और राणा प्रताप हीरो थे। राणा प्रताप तो हीरो थे ही, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। जब भी विश्व में अकबर एक आक्रांता था, राणा प्रताप ने थोड़ी अकबर पर आक्रमण किया, अकबर ने उनके राज्य पर आक्रमण किया, अत्याचार किए, हजारों लोगों को मार डाला। जब भी इस विश्व में दो पक्ष होंगे, एक व्यक्ति अकारण आक्रमण करेगा किसी व्यक्ति पे, परिवार पे, राज्य पे, और दूसरा व्यक्ति स्वाधीनता के लिए तलवार उठाने की बात जब सोचेगा, तो सदैव उसके सामने एक आदर्श के रूप में महाराणा प्रताप और शिवाजी राजे ये उपस्थित होंगे। ये तो आदर्श है, ये महापुरुष है, ये प्रातस्मरणीय व्यक्ति हैं। तो इनके साथ तो किसी की तुलना करना तुलना करने वाले की मूर्खता है, ठीक है। अब क्यों हल्दीघाटी में विलेन नहीं थे वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको। सब जानते हैं 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, ठीक है। अब इसको लेकर के वर्तमान में विवाद है कि ये युद्ध किसने जीता था, लेकिन हम मान लेते हैं, ज़्यादातर लोग मानते हैं हल्दीघाटी में जो है मानसिंह की विजय हुई, हम मान लेते हैं, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एक अलग वीडियो है कि किसकी विजय हुई थी, किसका क्या मानना है। हल्दीघाटी के युद्ध के उपरांत क्या हुआ ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हल्दीघाटी के युद्ध के उपरांत जब अकबर के सामने महाराजा मानसिंह उपस्थित हुए, तब क्या हुआ? एक मुल्ला या एक मौलवी जो मुस्लिम सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हल्दीघाटी के युद्ध में उपस्थित था, इतिहासकार भी है, अब्दुल कादिर बदायूनी, है ना, AQ बदायूनी, ठीक है, बड़ा कट्टर व्यक्ति था। इतना कट्टर था कि अकबर की भी खूब आलोचना करता था। ये कहता था अकबर जो है विधर्मियों के साथ, काफिरों के साथ रहता है, अकबर दाढ़ी नहीं रखता, इसकी भी इसको बड़ी शिकायत थी। तो ये जो मुल्ला मौलवी था बदायूनी, कहते हैं इसने हल्दीघाटी के युद्ध में ये स्वयं उपस्थित था, और इसने महाराजा मानसिंह की शिकायत अकबर से, शिकायत क्या की आप ये जानिए, कई लोग कहते हैं ना मानसिंह विलन, मैं उनको बता रहा हूँ। बदायूनी ने अकबर से ये शिकायत की कि हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना पूरी समाप्त हो गई थी, लगभग जो है वीर गति को प्राप्त हुए, और राणा प्रताप आराम से चलता हुआ और हल्दीघाटी के युद्ध से बाहर निकल गया, और मानसिंह ने कोई कोशिश नहीं की उस हिंदू शिरोमणि राणा प्रताप को पकड़ने की। ये शिकायत जो है मानसिंह की गई है इस युद्ध के उपरांत अकबर के उस इतिहासकार द्वारा जो स्वयं हल्दीघाटी में उपस्थित था। हालांकि ये तो इतना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है बदायूनी, इसने मरे हुए राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा, मतलब ऐसे मूर्ख लोग इतिहास में शायद ढूंढने तो दूसरे न मिले, ऐसे कट्टर, है ना, कठमुल्ला किस्म के लोग शायद आपको इतिहास, मरे हुए लाश के खून से अपनी दाढ़ी रंग रहा है आदमी। तो खैर, इस बदायूनी ने मानसिंह की शिकायत की और उसको सत्य मान करके अकबर ने इसकी ड्योड़ी बंद करवा दी, है ना। ड्योड़ी का मतलब होता है महाराजा मानसिंह महीनों तक अकबर से मिलने के लिए गए, 1.5-2 महीने तक, तो अकबर उनसे मिलता नहीं था, क्योंकि उसने इस बात को सच माना कि मानसिंह ने जानबूझकर हल्दीघाटी के मैदान में राणा प्रताप को वहां से जिंदा जाने दे दिया। अब बताइए, जिस व्यक्ति पर उसका बादशाह, जिस व्यक्ति पर उस बादशाह के दरबारी आरोप लगा रहे हैं कि वो चाहता तो राणा प्रताप को पकड़ सकता था या मारने का प्रयास कर सकता, और उसने जानबूझकर राणा प्रताप को युद्ध से वापस जाने दिया, तो महाराजा मानसिंह जो थे वो, अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है इस आरोप में, तो वो राणा प्रताप के शत्रु नहीं थे। उन्होंने राणा प्रताप को, यानी मेवाड़ के सिंहासन को उन्होंने खाली करने का कोई प्रयास नहीं किया, है ना। हिंदू शिरोमणि और हिंदू असुर्य कहलाने वाले सिसोदिया वंश के उस गौरव को मिटाने का कोई प्रयास नहीं किया। हालांकि युद्ध इन्होंने लड़ा, वीरतापूर्वक लड़ा इन्होंने युद्ध, ठीक है, अपने हाथी मर्दाना पर बैठ करके, और हजारों जो है योद्धाओं के साथ मानसिंह ने भी युद्ध लड़ा। ऐसा थोड़ी मानसिंह, अकबर नॉर्मली युद्ध के मैदान में पीछे खड़ा रहता था, लेकिन मानसिंह और कछवाहे आगे आकर के लड़े। और हल्दीघाटी में तो विशेष रूप से एक दल जो है कछवाहों का ही था और एक दल बारहा के सैयद मुसलमानों का था। तो ये आरोप लगाने वालों को इतिहास की जानकारी नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद अब इनके जिंदगी का सबसे महान क्षण जिसको देख लेते हैं हम लोग, अकबर, अब देखो अकबर क्यों विश्वास करता था। अकबर के पिता हुमायूं ने भी खूब विवाह किए थे, और अकबर की जो सौतेली माँ थी उससे एक लड़का, अकबर का सौतेला भाई एक पैदा हुआ जिसका नाम था मिर्जा हकीम।
मुगलों का वैसे सरनेम मिर्जा हुआ करता था, ये तो बाबर ने बाद में जो है बादशाह लगाना शुरू किया, उससे पहले वो सब मिर्जा थे, है ना। हो सकता है शायद ये सानिया मिर्जा और ये भी शायद मुगल खानदान के हों। तो मिर्जा हकीम नाम था इसका, ये अकबर का सौतेला भाई था, और कहते हैं हिंदुस्तान के सारे कट्टर मुसलमानों ने जाकर के इसको भड़काया और कहा कि अकबर काफिरों के साथ घूमता है और विधर्मी हो गया है और इस्लाम का पालन नहीं करता है, और इस प्रकार के जजिया कर हटा दिया है उसने, तीर्थ यात्रा कर हटा दिया है उसने। तो उन्होंने जाकर के इसको भड़काया, और काबुल जो सिपाहियों का गढ़ था, सारे अच्छे सिपाही जो मध्य एशिया से आते थे काबुल से आया करते थे, और काबुल का राजा था मिर्जा हकीम। बाबर ने भी हिंदुस्तान को जब जीता तो काबुल से अटैक किया था, आपको पता होना चाहिए। तो मिर्जा हकीम ने काबुल में अकबर के खिलाफ सेना तैयार की और अटैक कर दिया हिंदुस्तान पे। अकबर की जिंदगी का सबसे मतलब मेरे को एक क्रिटिकल पार्ट था, ये चिंताजनक पार्ट था, अकबर अपनी राजधानी को छोड़ करके, है ना, हाँ, अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को छोड़ करके राजधानी उसने इसके भय से परिवर्तित कर ली लाहौर, और 13 वर्षों तक लाहौर रहा। लाहौर का किला अकबर द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा किला है, या नहीं इलाहाबाद का है। तो लाहौर में 13 वर्ष तक ही अकबर जो रहा, किसके भय से, मिर्जा हकीम के वैसे। और इस मिर्जा हकीम का एक पठान सेनापति जो बड़ा जबरदस्त योद्धा था, उसका नाम था शादमान बेग, ठीक है। तो अकबर को पता था कि केवल महाराणा राजा मानसिंह जैसा एक दुर्दांत और इसके जैसा एक भयानक योद्धा इन खूंखार पठानों से, ठंडा प्रदेश है अफगानिस्तान और साथ साथ फुट के जो पठान जो है वहां रहते हैं, ठीक है, उन पठानों को धूल में मिलाने की सामर्थ्य केवल मानसिंह में ही अकबर जानता था। इसलिए सेना का नेतृत्व महाराजा मानसिंह को दिया, और महाराजा मानसिंह जो है वो अकबर की अपेक्षाओं से भी आगे जो है वो निर्णायक सिद्ध हुए। तो महाराजा मानसिंह ने आक्रमण किया, और आपको जान के आश्चर्य होगा मिर्जा हकीम के दुर्दांत सेनापति शादमान बेग का सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक है। और बाद में आगे बढ़ करके मिर्जा हकीम से इन्होंने काबुल का किला भी छीन लिया और काबुल को भी अपने अधिकार में कर लिया। एक बड़ी रोचक घटना महाराजा मानसिंह के जीवन काल की मैं आपको बताना चाहूंगा। हिंदुओं में ये विश्वास था कि पंजाब के आगे अटक, जहां से उससे आगे सिंधु नदी बहती है, कुछ लोग अटक को सिंधु नदी मानते हैं, तो अटक नदी के पार जाना हिंदू मानते थे कि उससे आगे सब विधर्मी रहते हैं, तो सिंधु को या अटक को हिंदू पार नहीं करते थे। तो जब काबुल जीतने के लिए मानसिंह को भेजा गया तो इनके साथ जो है कछवा है, जयपुर के कछवा वंश के जो राजपूत थे हिंदू थे, वो सारे भेजे गए। तो उन्होंने कहते हैं कि अटक के यहाँ जाकर के फिर वो अटक ही गए। उन्होंने कहा साहब इससे आगे नहीं जाएंगे, कहते हैं हम हिंदू नहीं रहेंगे, उसके बाद भी धर्मी लोग रहते हैं, गाय खाते हैं, इस प्रकार की बातें उन्होंने की। तो महाराजा मानसिंह ने एक दोहा कहा, ठीक है, आपको जान के कैसा कृष्ण भक्त है आप देखो इसको। उन्होंने दोहा कहा, सबे भूमि गोपाल की या मैं अटक कहाँ, यानी सारी धरती तो किसकी है, ठाकुर जी की है, वासुदेव श्री कृष्ण की है। तो सबे भूमि गोपाल की या मैं अटक कहाँ, जाके मन में अटक है सो ही अटक रहा, यानी जिसका मन में कोई अटक है ना वही इस अटक नदी को पार करने से डर रहा है। ऐसा कहकर महाराजा मानसिंह ने अपना घोड़ा अटक नदी में कूदा दिया, ठीक है, और अपने नेता को जाते हुए देख करके जो कछवा है थे उनका भी रक्त जो है नसों में उबाल मारा, और उन्होंने अपने सबके अपने घोड़े जो है उस नदी में उतार दिए, और फिर वहां से कहाँ जाके रुके, मिर्जा हकीम से काबुल छीन लिया। वर्ष इंपॉर्टेंट है 1581। अकबर की जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज जो था उसका जवाब मानसिंह ने दिया, ठीक है। काबुल आप जानते हैं कहाँ पड़ता है, आज 3 देश हैं ये, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तीसरे देश में पहुंचने के बाद फिर काबुल मिलेगा आपको। तो महाराजा मानसिंह ने वहां तक जो है अपना झंडा स्थापित किया। और एक इंटरेस्टिंग घटना वहां क्या घटी, कहते हैं वहां के ईरान बॉर्डर पे 5 खूंखार अफगान कबीले रहा करते थे, और उन्होंने तुरान के शासक जो थे उज्बेक थे उनके साथ मानसिंह पर आक्रमण किया। ये इतना बड़ा खतरा था, और कोई होता तो भाग जाता वहां से, लेकिन महाराजा मानसिंह अपने कछवाहों के साथ कहते हैं 1 दिन और 1 रात उसने वहां पर लड़ाई की, और अपना जो खांडा था वो जो तलवार थी उससे उन्होंने पता नहीं हजारों लोगों के शीश जो है वो उन्होंने उतार दिए, और फाइनली वो 5ों जो अफगान कबीले थे और वो तुरान का जो उज्बेक सरदार था वो हार मान करके भाग गए। मानसिंह ने उन 5ों कबीलों के झंडे पर और उस उज्बेक के झंडे पर अधिकार कर लिया। झंडा एक तरह से इज्जत होती है, मानसिंह ने उनसे वो छीन लिए, और वो 5ों झंडे जो थे वो अलग अलग कोई नीला पीला लाल काला ऐसे रंगों के थे। महाराजा मानसिंह ने अपने इस विजय को चिरस्थायी करने के लिए,
है ना। हाँ, इससे पहले आमेर का जो झंडा हुआ करता था वो श्वेत ध्वजा होती थी, और भगवान राम का प्रतीक जो है वो कचनार की झाड़ी है। कचनार की झाड़ी उस झंडे के बीच में हुआ करती थी, और इस सिक्के में जो झाड़ी बनी हुई है इस झाड़ी को भगवान राम का प्रतीक मानते हैं। और क्वेश्चन आता है जीके में कई बार, कहाँ के सिक्के झाड़शाही सिक्के कहलाए, क्योंकि कचनार का झाड़ बना हुआ होता था, इसलिए जयपुर के जो सिक्के थे वो झाड़शाही सिक्के कहलाए। तो जयपुर के झंडे में इससे पहले श्वेत रंग का झंडा और कचनार की झाड़ी हुआ करती थी। महाराजा मानसिंह ने अपनी स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए ध्वज को बदला, और कछवाहों का आमेर जयपुर का जो झंडा, आज भी अगर आप कभी जयगढ़ चले जाएं या आमेर दुर्ग चले जाएं तो आपको एक 5 रंग का झंडा वहां पे दिखाई देगा। वो पचरंगा झंडा महाराजा मान सिंह की इस महान विजय का जो है प्रतीक है। उन्होंने 5 रंग के झंडे और बीच में सूर्य नारायण, क्योंकि ये मानते हैं कि उनका वंश सूर्य वंशीय भगवान राम से चला है, तो वो महाराजा मान सिंह द्वारा दिया गया पचरंगा जो झंडा है वो सूर्यवंशी इन योद्धाओं के तेज का जो है आज भी साक्षी है। फिर इसके बाद मैं इस व्यक्ति के इतिहास को देखता तो मैं चकित रह गया। रेंज देखो आप इस व्यक्ति की, काबुल से लगा करके और बंगाल तक विजय कर दिया अकबर के लिए। इसके पिता भगवान दास ने कश्मीर जीता, और जहांगीर के समय दक्षिण भारत में मलिक अंबर के खिलाफ जो है ये युद्धों पे युद्ध लड़ रहा है महाराजा मान सिंह। हिंदुस्तान को नाप लिया एक तरह से उसने। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान आज का जो बंगाल है वो उसमें बांग्लादेश से आगे ढाका तक पूरा क्षेत्र जीत लिया। 4 देशों को जीत लिया इन्होंने एक तरह से कहा जाए, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये रेंज है महाराजा मान सिंह की। और इतिहास में इस व्यक्ति को कोई वो सम्मान ही नहीं मिला जिसके ये हकदार हैं। तो इसके बाद अकबर ने इनसे कहा कि देखो मानसिंह, तुमने पूरा पश्चिम और उत्तर जीत लिया है, अब तुम थोड़ा सा पूर्व की तरफ ध्यान दो, उधर काफ़ी हम चाहते हैं विस्तार हो। तो इनका साहब जैसे आपकी आज्ञा, बिहार पहुंच गए, और खूंखार पूरणमल गिद्धौर एक रियासत पड़ती थी, उनको उन्होंने जो है वो परास्त किया बिहार के अंदर, ठीक है, 1587 के आसपास। वहीं एक दुखद घटना हो गई, इनको ये पता चला कि इनके पिता की मृत्यु हो गई। अब वहां से युद्ध को बीच में छोड़ करके, अब और कोई होता तो चला जाता, युद्ध को बीच में छोड़ करके और अपने आमेर जाना संभव नहीं था, तो उन्होंने वहीं पटना में ही अपना प्रथम राज्य अभिषेक जो है वो करवा लिया। सारे महापुरुषों को मैं देखता हूँ इतिहास में, या प्रसिद्ध लोगों को देखता हूँ, तो सबके राज्य अभिषेक 2-2 बार हुए। शिवाजी राजे का राज्य अभिषेक 2 बार, राणा प्रताप का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ, ठीक है, यहाँ तक कि औरंगजेब का राज्य अभिषेक भी 2 बार। तो प्रथम राज्य अभिषेक पटना में, दूसरा फिर बाद में आमेर में विधिवत रूप से हुआ, तो वहाँ उन्होंने अपना राज्य अभिषेक करवाया। और वैसे तो पूरे भारत में उन्होंने पता नहीं कितने मानपुर बसाए, लेकिन सबसे बड़ा मानपुर जो है वो आज बिहार में पड़ता है। अपने नाम पे एक शहर जो है मानपुर उन्होंने बसाया। बिहार में कछवाहा क्षत्रिय योद्धाओं का ही बना हुआ एक किला था, रोहतासगढ़ का किला है ना, शेरशाह सूरी ने अपना सारा खजाना ही रखा था। उस किले को देख करके ये थोड़े भावुक हो गए, इनको अपने पूर्वजों का जो स्मरण हो आया, तो इन्होंने रोहतासगढ़ के किले को बहुत खर्चा किया, इन्होंने रोहतासगढ़ किले को पूरा मरम्मत करा के मान सिंह के महल, रानियों के महल, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बिहार के रोहतासगढ़ दुर्ग में इन्होंने स्थापित करवाया, ठीक है। ये दुर्ग वापस जो आज अच्छी स्थिति में, तो मान सिंह का उसमें योगदान। फिर अकबर ने कहा साहब बिहार जीत लिया, उड़ीसा की ओर प्रस्थान कीजिए। उनका ठीक है, उड़ीसा की ओर जा रहे हैं। उड़ीसा में एक जो है पठान ने उपद्रव मचा रखा था, कुतलू खां या कतलू खां, तो पहले उसको परास्त किया, और कहते हैं उन लोगों ने जगन्नाथपुरी जो भगवान कृष्ण का पवित्र मंदिर है उस मंदिर को जो है थोड़ा सा जो पवित्र कर दिया था, तो वहाँ उन्होंने जाकर के और नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अपने हाथों से करवाई जगन्नाथपुरी में। आपको पता होना चाहिए जगन्नाथपुरी में राधा कृष्ण की नहीं बल्कि भगवान कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और बलराम जी की प्रतिमा है, तो भाई बहनों का जो है मंदिर है। नारायण विष्णु के अवतार है भगवान श्री कृष्ण, जग के नाथ है, इसलिए उनको जगन्नाथ कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा यही होती है, आपको पता होगा। तो जगन्नाथपुरी में उन्होंने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई नई मूर्ति की, और कहते हैं वहां महाराजा मान सिंह के इतिहास की घटना घटी। इन्होंने अपना जो खांडा था, सीधी तलवार जिसे जो है भैंसे की बलि दी जाती है, उस खांडे को उस समुद्र के खारे पानी में इन्होंने अपने खांडे को धोया, ठीक है। एक दोहा तब से बड़ा फेमस हुआ महाराजा मान सिंह के लिए, कहाँ तो काबुल जीता और कहाँ अपना खांडा जो उड़ीसा में जाकर के उन्होंने धोया। तो या तो दुर्गादास के लिए ऐसा दोहा है या तो महाराजा मान सिंह के लिए दोहा है, ठीक है। जो इतिहास मर्मज्ञ हैं और जो इतिहास के प्रेमी इस दोहे को सुनकर उनको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो दोहा राजस्थानी भाषा में है, थोड़ा सा आप समझिए, हिंदी में भी होगा, इसका कुछ हिस्सा आपको समझ आ जाएगा। जननी जने तो एड़ो जन, हे माँ ऐसे पुत्र को जन्म दे। जननी जने तो एड़ो जन, जेड़ो मान मरद, जैसा मर्द कौन हुआ, महाराजा मान सिंह।
जननी जने तो एडो जन जेड़ो मान मरद समंदर खांडो पखालियो। अरे भाई, ये तो वो महापुरुष है जिसने पूर्व के समुद्र में अपना जो खंडा था, अपनी जो तलवार थी, उसको धोया, विधर्मियों के शीश काट दिए, जगन्नाथपुरी मंदिर को वापस मुक्त कराया, प्राण प्रतिष्ठा करवाई वहां पर, और वहां अपने खांडे को धोया। जननी जने तो एड़ो जन जेड़ो मान मरद समुंदर खांडो पखा लियो और काबुल बांधी हद। जिसने अकबर के साम्राज्य की जो पश्चिमी सीमा थी वो कहां पर बांधी? काबुल में। और जिसने अपना खांडा उड़ीसा में धोया। ऐसे भगवान कृष्ण के महान भक्त महाराजा मान सिंह को वो सम्मान नहीं मिला। थोड़ा सा मेरे दिल में दर्द है इस बात को लेकर के कि इनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो इतिहास में नहीं मिला। ठीक है, इनकी शायद सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि ये स्वतंत्रता के प्रतीक महाराणा प्रताप के सामने सेना के सेनापति बन गए। अगर इनको हल्दीघाटी के युद्ध से निकाल दो तो आप फैन हो जाओ इस व्यक्ति के, इतने बड़े महापुरुष हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पे एक अक्षय देवी नाम की राजकुमारी थी, रामचंद्र देव थे उड़ीसा के शासक, उनसे इन्होंने विवाह, ऐसा कहा जाता है कि महाराणा मान सिंह ने पूरे भारत भर में 1500 से अधिक विवाह किए। ठीक है, हालांकि कई लोगों को ज़्यादा लगता है, तो अकबर ने कहा जाता है लगभग 5000 के आसपास विवाह किए। उसके हरम में 5000 से ज़्यादा महिलाएं थी अकबर के। ठीक है, तो फिर उसके सेनापति हैं तो शायद 1500 विवाह तो भी करने के हकदार हैं। ठीक, उसके बाद इनकी सबसे प्रसिद्ध विजय, और वो विजय है बंगाल, 1594 साल याद कर लीजिए। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला, यहाँ एक बंगाल में एक रियासत है जिसके नाम के पीछे बिहार आता है, कूच बिहार। कूच बिहार में जयपुर के दो राजाओं ने शादी की, दोनों का नाम मानसिंह था। आपको जान के आश्चर्य होगा, जयपुर के अंतिम राजा का नाम था सवाई मानसिंह, जिनके नाम पर जयपुर में SMS स्टेडियम, और दुनिया की 10 सुंदर महिलाओं में गिनी जाती थी उनकी पत्नी, जिसका नाम था गायत्री देवी। राजस्थान में लोकसभा की प्रथम महिला सांसद बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, गायत्री देवी के, जयपुर की महारानी। और कहाँ की थी? कूच बिहार की राजकुमारी। इनका विवाह जयपुर के अंतिम राजा से हुआ, सवाई मान सिंह से, और महाराजा मान सिंह, वो भी मान सिंह है, उन्होंने जो है कूच बिहार की राजकुमारी अबला। तो मुझे लगता है जयपुर के इतिहास में जो भी मान सिंह होता है वो कूच बिहार जाता है और वहाँ की राजकुमारी से विवाह करता है, तो ये है। लेकिन जिस बात के लिए मान सिंह को याद किया जाता है ना, हाँ, महाराजा मान सिंह ने बंगाल पर आक्रमण किया और वहां पे एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसका नाम था जैसोर, और जैसोर के शासक थे प्रतापदित्य। बहुत कम, लगभग नहीं के बराबर कहता, इनका उल्लेख आता ही नहीं। प्रतापदित्य के सेनापति केदार कायत को ही लोग जैसोर का शासक बताते हैं, इतिहास की गहराई है ये। तो जैसोर के शासक जो बंगाल में पड़ता था, बहुत बड़ी रियासत थी, वहां के राजा प्रतापदित्य के सेनापति केदार कायत को परास्त करके उन्होंने पूरे बंगाल पर अधिकार किया। प्रतापदित्य को कैद में डाल करके लेकर के आए, रास्ते में इसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। केदार कायत को पराजित किया और बंगाल में अकबर के नाम पे एक शहर भी बसाया, अकबरपुर, जो भी बांग्लादेश में चला गया है। ठीक है, और अकबर के लड़के सलीम के नाम पे सलीमपुर भी बसाया उन्होंने, अपने स्वामी का पूरा ध्यान रखा उन्होंने। तो कहते हैं कि महाराजा मान सिंह जब वहाँ गए तो प्रथम युद्ध में केदार कायत से परास्त हो गए, तब महाराजा मान सिंह पराजित थे, दूसरे वापस अटैक की बातें सोच रहे थे। रात्रि को महिषासुर मर्दिनी जगदम्बा के दर्शन, बंगाल वैसे भी शक्ति उपासक लोगों का देश, जगदम्बा के दर्शन जो है वो इनको हुए, और क्या कहा देवी ने, उस मात्र शक्ति भगवती ने इनको स्वप्न में आकर के कहा कि बेटा, यहाँ पे समुद्र के किनारे खुदाई करने पर मेरी एक ही शिला से बनी हुई मूर्ति तुझे प्राप्त होगी, उसको अपने साथ ले जाना, जो भी उस मूर्ति को पूजेगा कभी पराजित नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ आपको मान सिंह महान क्यों है। 100 से ज्यादा युद्ध अभियान अपने जीवन काल में किए, शताधिक युद्ध अभियान करने वाला विरला एक योद्धा इस इतिहास का, और शताधिक युद्ध अभियान में अपराजय रहे, सदैव विजेता रहे, कभी किसी युद्ध में परास्त नहीं हुए। हल्दी घाटी में भी यदि हम ये माने, हालांकि अब इतिहासकार इस बात को लेकर के थोड़ा सा विचार विमर्श कर रहे हैं कौन जीता, निर्णायक था अनिर्णित था, लेकिन 100 से अधिक युद्धों में जीतने वाला शायद विश्व के इतिहास में आप उठा करके देख लो, आपको इसके समकक्ष योद्धा नहीं मिलेगा। ठीक है, 100 से अधिक युद्ध अभियानों का नेतृत्व किया, एक में भी पराजय का मुख नहीं देखा, ऐसा जो भक्त जगदम्बा का, भगवान कृष्ण का, वो महान राजा कौन है? राजा मानसिंह।
कहते हैं वहां उन्होंने खुदाई करवाई जैसोर रियासत में समुद्र के किनारे, एक ही शिला से बनी हुई महिषासुर को मारते हुए जगदम्बा की मूर्ति वहां प्राप्त हुई जिसके ऊपर पंचदेवों का अंकन किया हुआ है। उस मूर्ति की इन्होंने पूजा की और फिर अटैक किया और केदार कायत को परास्त किया, प्रतापदित्य को बंदी बनाया, पूरे बंगाल को अपने अधीन किया और इस शिला देवी की मूर्ति को महाराजा मानसिंह कहाँ ले आए, राजस्थान में दो किले इनके द्वारा बनाए गए हैं, एक है आमेर का किला और दूसरे को जयगढ़ नाम बाद में दिया गया, बनाया इन्होंने ही था, नाम बाद में मिर्जा जयसिंह ने जयगढ़ कर दिया। तो दो किले इन्हीं के द्वारा बनाए गए, उसमें जो आमेर का जो इनका प्रमुख दुर्ग था उसी दुर्ग में इन्होंने शिला देवी का जो मंदिर है वो स्थापित करवाया। ठीक है, तो महान व्यक्ति हैं, है ना, पूरी जिंदगी उठा करके देखो तो ऐसा अप्रतिम योद्धा, ऐसा हर युद्ध जीतने वाला, अकबर के मुगलों के लिए संकट मोचन, मैं तो कहूं इस महान विभूति के इतिहास को स्वर्णाक्षरों से इतिहास में दर्ज करना चाहिए। कौन कहता है ये हिंदू धर्म के विरोधी थे? महाराजा मानसिंह से बड़े हिंदू धर्म के संरक्षक शायद दूसरे पैदा हुए हो, ठीक है, इनसे बड़े कृष्ण भक्त शायद दूसरे पैदा हुए हो, इनसे बड़ा शाक्त शक्ति का उपासक है ना, जयपुर में तो एक दोहा कहा जाता है, सुनिए आप महाराजा मानसिंह के लिए, उसमें कहा जाता है कि जयपुर में तीन चार जगह फेमस, सांगानेर को सांगो बाबो और जयपुर के हनुमान, चांदपोल में हनुमान जी का मंदिर है जयपुर में, बहुत फेमस, सांगानेर को सांगो बाबो जयपुर का हनुमान और आमेर की शिला देवी लायो राजा मान। तो आमेर की शिला देवी की जिस मूर्ति को लेके आए वो महाराजा मानसिंह थे। ठीक है मित्रों, अगर पढ़ाऊं तो पढ़ाता जा सकता हूं मैं, ठीक है, पर मुझे लगता है वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब इस वीडियो को तीन भागों में बनाने का हमने निश्चय किया है, तो प्रथम भाग हम यहीं समाप्त करते हैं, द्वितीय भाग में कला संस्कृति के संरक्षक मानसिंह का एक विवरण प्रस्तुत करेंगे और तीसरा सबसे रोचक होगा, उसमें उनके जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं, अकबर को मरने से बचाया इसने, ठीक है, इन्हीं की देन थी कि अकबर जिंदा रहा बाद में, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कई बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि सर ये इतने अच्छे वीडियोस है, जिस स्तर का आप पढ़ा रहे हैं राजस्थान का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इस स्तर की जानकारी देता नहीं। तो अगर आप आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए द बेस्ट टीचर्स फॉर फैकल्टीज चाहते हैं, श्योर सिलेक्शन चाहते हैं, तो अजमेर में हमारा इंस्टीट्यूट है पैनोरमा, एक जयपुर में राज पैनोरमा के नाम से है ना, हाँ वो अलग चलता है, कुछ बच्चे उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना, तो वो एक अलग इंस्टीट्यूट है, उनका शायद प्रकाशन भी है अलग, तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, पैनोरमा इंस्टीट्यूट अजमेर में, मैं इसका डायरेक्टर हूँ, प्रद्युम्न सिंह मेरा नाम है और समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के हम लोग शिष्य हैं, योग दर्शन से जुड़े हुए हैं। तो आपको यदि बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट फैकल्टीज, इन डेप्थ स्टडी, प्रॉपर नॉलेज, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आप पैनोरमा इंस्टीट्यूट आइए। ये तो सिर्फ जो हम वीडियोज़ बता रहे हैं ये तो एक झलक मात्र है, पूरी कक्षाएँ तो संभव नहीं है, है ना, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ मटेरियल जो है वो आपको अवेलेबल करवाएं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, कोई बेल आइकन होता है वो भी दबा दीजिए, शायद आपको रेगुलर उससे आपको इंटीमेट करता रहेगा वो कि भाई नया वीडियो आ गया। ठीक है।